मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर जिले के दौरे के दौरान नाहरगढ़ के समीप जग्गाखेड़ी के गांव का दौरा किया। इस दौरान मंत्री देवड़ा द्वारा कोरोना से मौत हुई लोगों के परिजनों के घर जाकर उनसे मुलाकात की और परिजनों को ढढ़ास बंधाया। इस दौरान वित्त मंत्री देवड़ा ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। वहीं वित्त मंत्री देवड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तीसरी लहर को लेकर लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है और बचाव के लिए कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। सावधानी के तौर पर मास्क लगाकर रखें व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इसके अलावा भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। हमेशा भीड़ से बचने का प्रयास करें। इसके साथ ही मंत्री देवड़ा ने टीकाकरण महाअभियान को लेकर भी लोगों से वैक्सीन लगवाने के प्रति अपील की और कहा कि सभी वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए कारगर साबित होगी। इसलिए सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। के खबर के लिए मंदसौर से संवाददाता ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।